अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 3225, ठीक है? तो मूल राशि क्या होगी? अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो तरीका बताया था आप फिर से उसी को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो 15% है इसको आप क्या कन्वर्ट कर लीजिए, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में। तो देखिए 15/100 लिखूंगा, या फिर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/5 से काट दीजिए तो 20, ठीक है? तो 3/20 आपका क्या आ गया, आपने इस रेशियो को कन्वर्ट कर लिया है, मैंने इस प्रतिशत को कन्वर्ट कर लिया इस रेशियो में, ठीक है? तो 3/20 आ गया। तो अगर इनिशियली मेरे पास 20 रुपीज रहे हों तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर मुझे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 23। सिमिलरली अगले साल भी वो कितनी होगी, 20 से 23 हो जाएगी, ठीक है? तो बात अगर एक साल की है तो 20 से 23 हो जाती है, जब बात 2 सालों की होगी तो वो कितनी हो जाएगी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो जब बैलेंस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 से वो कितनी हो जाएगी, 23 का स्क्वायर, ठीक है? 2 सालों की अगर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर से 23 का स्क्वायर, ठीक है? तो 400 से 23 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 23 से आप उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 6 2 6 2 3 4, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, 529, ठीक है? तो 23 का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 529। तो 400 से 2 साल में वैल्यू कितनी हो जा रही है, 529, ठीक है? अब सवाल में क्या बोला गया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो ब्याज कितना है, 3225। तो मूल राशि आपको बतानी है। तो आपने ये देखा कि मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, मेरे को ब्याज तो मिल रहा है 129, जबकि सवाल में कितना मिल रहा है, 3225। तो आप क्या कीजिए कि मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू 129 होनी चाहिए, सवाल में कितनी है, 3225, ठीक है? तो एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 129 से डिवाइड कर दीजिए, तो पहली बार 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 12 दून 24, 240 और 250, 258, ठीक है? तो 258 यहाँ पर लिखा, तो बचा कितना है, आप इसको घटा लीजिए, ये 2 बार जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 645। तो 645 को ये एक 129 से आप और कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 5 बार में देखिए पूरा आ जाएगा। तो आपकी एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, ठीक है? तो आपने इनिशियली वैल्यू कितनी मानी है, जब 400 मानी है, और 2 साल में वो कितनी हो जाती है, 529 हो जाती है, ठीक है? लेकिन हमने असल में जो मानी थी उतना से तो हमारा आंसर आ नहीं रहा था, हमारे आंसर से कितना मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी कितना आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड विथ 25, ठीक है? तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 और 2 जीरो और, ठीक है? तो ये हमारी इनिशियल राशि रही होगी, जबकि हमने सवाल में कितनी अपने अकॉर्डिंग मानी हुई थी, 400, ठीक है गाइज? तो इसके आंसर आपका मूल राशि कितनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि मासिक रूप से संयोजित 3,000 की राशि एक्स प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3993 हो जाती है, ठीक है? तो एक्स का मान आपको बताना है, तो 3 वर्ष में आपको ये कितना गिवन है कि 3993 हो जाती है, ठीक है? तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपकी जो राशि होती है ये मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लाइड होते हैं आपस में, अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूं दोनों नंबर्स में, क्योंकि ये रेशियो होता है ये भी, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है, ये जिस नंबर से क्या नंबर बन रहा है वो एक रेशियो होता है। तो अगर मैं 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से कितना बन जा रहा है, 1331, ठीक है? तो अब देखिए अब आपसे जो पूछा गया कि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है तो दर बताइए, तो अब आप इसको इजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 10 का क्यूब लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, 11 का क्यूब, ठीक है? तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स में 10 क्यूब से 11 क्यूब हो रही है, तो 1 ईयर में ये कितना हो रहा होगा, 10 से 11 हो रहा होगा, ठीक है? तो अब आप इजीली इसको देख के भी बता सकते हैं कि दर कितनी रही होगी, अगर आपसे दर पूछी गई तो दर कितनी होगी, 10% रही होगी, क्योंकि 10 का 10% ही 1 होता है। तो आपको ये पता है कि एक ब्याज मिल रहा है, तो 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है तभी 11 हो रहा होगा, तो 1 बार 10 का 1 कितना प्रतिशत होता है, 10% होता है। तो इससे आपका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि 30,000 की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4347 है, ठीक है? तो उस समय n का मान आपको बताना है। पूछा गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपीज एट 7% पर एनम फॉर n ईयर्स इज ₹4347, द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपको ये पता है कि अगर 7% वार्षिक दर से, जो ये n वर्षों के लिए समय, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज ना होता, अगर ये साधारण ब्याज होता तो मैं क्या करता, इस पे 1 साल के लिए मैं ब्याज निकालता तो ये कितना आ जाए, 7 * 21
दो जीरो कट जाएंगे तो 7 तरीक 2100 रुपये, ठीक है। तो 2100 रुपये मेरे पास एक साल के लिए ब्याज होता है किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी सेम रहता है तो इतना ही रहता है, ठीक है। सेकेंड ईयर की जब बात आती है तो सेकेंड ईयर में मुझे क्या होता कि ये 2100 तो मिलता ही मिलता, यानी कि 4200 टोटल हो जाता दूसरे साल में, प्लस कुछ और अमाउंट होता जो कि इसका ही 7% फिर से होता, ठीक है। तो वो कुछ अमाउंट होता, मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तीसरे साल जब मैं बात करता हूँ कि तीसरे साल क्या होता, तो तीसरे साल ये तो और ऐड होता, यानी कि सीधे सीधे तो मेरा 6300 होता ही होता, प्लस कुछ और अमाउंट होता। लेकिन यहाँ पर तो देखिए 4347 है, इट मीन्स तीसरा साल तो नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि 3 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर देखिए 3 से छोटा होगा। अब यहां पर सिर्फ 2 ही साल दिया हुआ है वैल्यू, और कोई वैल्यू आपके पास ऑप्शंस में ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको करेक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आप अप्रॉक्स वैल्यू पे भी जाएंगे, आपका सीधे से आंसर करेक्टली आ जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़ी सी चेकिंग करके भी आप इस तरह के आंसर निकाल सकते हैं, जब आपको समय पूछा जाए तब आप कुछ इस तरह से ही इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर, निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना गिवन है, 328 रुपीज है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस 5% को मैं कन्वर्ट करा, तो मैंने कन्वर्ट करके पाया क्या कि मेरी जो धनराशि वो राशि ये है, दर है ये कितनी है, 1/20। तो क्योंकि बात 2 वर्षों के लिए कही गई है तो मैं क्या मान लूंगा अपनी धनराशि को, क्योंकि 2 बार देखिए मल्टीप्लाई मुझे करना ही पड़ेगा, तो क्योंकि बार बार 2 बार 1/20 करना पड़ेगा। देखिए पहले साल में क्या होता है 1/20 करता, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तो उसके बाद फिर से जो अमाउंट आएगा उसमें फिर से मुझे 1/20 करना पड़ेगा। तो मैंने जो अपना प्रिंसिपल माना, वो प्रिंसिपल क्या मान लिया कि 20 मल्टीप्लाइड विद 20 है, ठीक है, कि जो भी अपॉन में आ रही वैल्यू उसी को 2 बार मैंने मल्टीप्लाई करके मान लिया, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल मैंने कितना माना है, 400 है। तो एक साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, मुझे एक साल में ब्याज मिलेगा 20 रुपए। तो मेरा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा अगले साल के लिए, 420 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर से मेरा यही लगेगा 1/20, तो अब इस साल मुझे प्रिंसिपल कितना मिलेगा, देखिए 2 से कटेगा तो 21 रुपए मुझे इस साल प्रिंसिपल मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 साल में 21, आप इसमें ऐड कर दीजिए तो 441, ठीक है। तो देखिए 2 सालों में मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है, वो मिला हुआ है मुझे 41 रुपीज, ठीक है। और सवाल में क्या कह रहा है कि 2 साल में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होना चाहिए, 328, जबकि मेरे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 41। तो मैं क्या करूंगा इससे चेक कर लेता हूँ, तो 328 है यहाँ पे मेरे पास कितना है 41, तो 1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 41 है, आप इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 410, तो 410 से आप इसको 8 बार मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, तो 1 की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो आपने जो प्रिंसिपल माना था उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 3200, ठीक है। यानी कि जो आपका इनिशियल अमाउंट था वो कितना रहा होगा, 3200 रुपये रहा होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको करना क्या होता है, सिर्फ आप दर को जो भी दर परसेंट में दी हो उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। रेशियो में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3/20 या किसी भी फॉर्म में आ सकती है, हो सकता है 5/20 बन जाए या फिर 7/21, कुछ इस तरह से बनेगी आपकी दर। उसके बाद जो अमाउंट अपॉन में जो वैल्यू लिखी हो, जो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में लिखी हो, उस वैल्यू को आप उस वैल्यू को क्या कीजिए, जितने ईयर्स के लिए कहा जाए, जैसे कि अगर एक साल के लिए बोला गया तब तो आप एन मान लीजिए, जब बात 2 साल के लिए हो तो आप क्या मानिए, एन इंटू एन, जब बात 3 साल के लिए हो तो एन का क्यूब आप अपनी तरफ से मान लीजिए, और तब उसके बाद जैसा क्वेश्चन में कहा जाए, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज गिवेन है तो चक्रवृद्धि ब्याज आप उसके बराबर कर दीजिए, अगर आपको मिश्र धन गिवेन है तो आप उसको मिश्र धन के बराबर कर दीजिए, ठीक है, जितना भी टाइम आपका गिवेन हो। इसमें एक चीज यह है कि आपको टाइम जो है वो गिवेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज ₹410। तो यहाँ पे फिर से 5% आया, तो 5% मेरा कितना होता है 1/20। तो बात क्योंकि 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मैं कितना कहूंगा उसको, 20 × 20 मैं मान लूंगा अपनी तरफ से प्रिंसिपल को। तो एक साल में वो क्या बोल रहा है कि इज ₹410 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड सेम टाइम इज, उसने पूछा हुआ है कि सेम वैल्यू पर कि उसी टाइम और उसी इंटरेस्ट के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो पूछा गया, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा अमाउंट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 400 रहा होगा। तो पहले साल उसको कितना मिलेगा, पहले साल उसका 1/20 यानी कि 20 रुपये मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, और फिर से उस पर 20 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग उसको कितना मिल रहा है,
मेरे अकॉर्डिंग उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 41, जबकि सवाल में कितना मिल रहा है 410। ठीक है, इट मीन्स कि जो मैंने वैल्यू मानी है उसमें मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 10 के। तो जो वैल्यू मैंने मानी है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, तो अब 4000 हो गया। अब 5% की दर से 2 वर्षों का निकाल लीजिए आसानी से, तो एक साल का कितना आ जाएगा, एक साल का आपका आ जाएगा 5% के अकॉर्डिंग कितना, 5% एक बार में निकालिए या फिर 2 बार में सीधे से 10% इसका निकाल लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, 400 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर्स इज 992, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है बल्कि पूछा गया है, और आपसे डिफरेंस पहले से ही गिवन है। तो देखिए इसके लिए आपके फॉर्मूलाज होते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई होता है इसके लिए आपके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। देखिए 2 साल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ये 2 साल के लिए होता है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, एसआई सीआई माइनस एसआई, इस डिफरेंस के ये बराबर होता है जब बात कितनी हो, 2 ईयर्स के लिए हो। ठीक है, लेकिन जब बात आपकी 3 ईयर्स के लिए होती है तो उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, उसको भी आप समझ लीजिए। वो कितना होता है, वो होता है पी टाइम्स इनिशियल जो वैल्यू है वो तो रहती है आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यहां पर एक और नंबर मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होता है, 3 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, जब 3 ईयर्स के लिए आपको डिफरेंस पूछा जाए या फिर डिफरेंस गिवन हो आपसे, प्रिंसिपल पूछा जाए, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पी टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस आर अपॉन 100। अब यहां पर इस क्वेश्चन में जैसे कि मैं अप्लाई करता हूं तो ये कितना है, 10% है, आर की वैल्यू 10 गिवन है, और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 ईयर्स के लिए तो ये फॉर्मूला ही है। तो अब यहां पर ही मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूं, तो डिफरेंस कितना गिवन है, 992 गिवन है। तो यहां पर P की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो R की वैल्यू कितने है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस R की वैल्यू 10 है, 10 अपॉन 100 यानी 1/10। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, P की वैल्यू 992 यहां पर, और ये 100, और यहां पर भी 10 कॉमन ले लूंगा, तो ये 30 प्लस 1 31, तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन में 31 मल्टीप्लाइड विथ 1000। ठीक है, ये 100 और 10 1000 हो जाएगा, तो 31 से आप इसको काट दीजिए, 3 बार जाएगा 93 और 6 बचेगा 62, तो 2 बार और चला जाएगा। ठीक है, तो P जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना आ जाएगा, 32000 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इस तरह से मैं निकाल लेता हूँ। इसी पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज एट 5% पर एनम इज ₹41। यहाँ पर 41 रुपीज दिया हुआ है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, पी टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 41 गिवन है, जबकि आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो 25 से एक बार कट जाएगा 4, तो पी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4, और यहाँ पे 41 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 164, तो ये 00, तो P का वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी सीधे से, 164 00। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि 32000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए अब मैंने जो आपको फॉर्मूला इनिशियली बताया था वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4641, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि इनिशियली जो नंबर लिखा होता है ये क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट भी यही होता है, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन होगा, तो बाकी जो वैल्यूज हैं ये आपको क्या दे देंगी, सीआई और एसआई में अंतर दे देंगी। ठीक है, तो सीआई माइनस एसआई के लिए मैं इस वैल्यू को निकाल लूंगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 32000 के 10% की दर से, तो पहले साल उस पर जो ब्याज मिलेगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह होगा वो कितना होगा, 3200 रुपए। ठीक है, 10 कम हो गया, फिर अगले साल भी ऐसे ही होता जाएगा, 320, फिर 32, और लास्ट में कितना, 3.2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0.2 है, इससे मुझे पता चल गया कि 0.2 वाले ही आंसर्स आपके हो सकते हैं, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब मुझे सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है क्योंकि मेरे से अंतर पूछा गया है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 3600 + 6 × 12 = 120। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 = 120 और 4 × 2 = 8। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 3.2। तो अब आप इसको फाइनली सम अप कर लीजिए, तो 8 × 3 = 11 = 1 हासिल लगा, 1 2 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 10 = 0 हासिल लगा, 1 और 1 2। ठीक है, 2051.2, तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2051.2। ठीक है,
तो इससे मुझे इस तरह से जल्दी से इसका आंसर मिल सकता है अगर आपको राशि पहले से गिवेन हो। अगर राशि नहीं गिवेन है तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, वह राशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो गई, तो बताइए राशि कितनी थी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको ये एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जब मैं 2 वर्षों के लिए बात करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला जो होता है, जो अमाउंट बताता है, वो क्या बताता है कि पी टाइम्स 1 + R/100, इसकी पावर 2 जो होती है, इससे मुझे अमाउंट मिलता है 2 सालों के लिए। और 3 सालों के लिए मुझे अमाउंट कैसे मिलता है, पी टाइम्स 1 + R/100 की पावर 3, इस तरह से मुझे 3 सालों के लिए मिलता है। ठीक है, तो जब मैं 3 से 2 को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1 + R/100 मिलेगा, क्योंकि पावर वहां पर एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 2 है, पी तो दोनों में ही है, तो पी से पी कट जाएगा और 3/2 मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो 3/2 करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि तीसरे वर्ष में जो अमाउंट हो और जो दूसरे वर्ष में अमाउंट हो, उनको अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाता है, 1 + R/100। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये कितना है, 2662/ में यहाँ कितना है, 2420। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा चाहे तो काट लीजिए, देखिए कितने बार जाएगा, 2 से काटिए तो ये कितने बार जाएगा, 1331, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1210। ठीक है, तो ये आ गया 1 + R/100 की वैल्यू। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 + R/100 लिखा है तो इसको भी मैं 1+ के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 1+ लिखूंगा तो ये 1210 से कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये 210 है, यहाँ पे 331 है, तो 121, 121 एक्स्ट्रा है अपॉन में 1210। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से लिख गया, तो 1 से ये 1 कट जाएगा, तो R/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 121 से 121 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/10, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10%। ठीक है, तो R की वैल्यू जब आपकी 10% अब आपको मिल गई है कि 1 + R/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि R की वैल्यू 10 है, तो अब यहाँ पे 1 + R/100 कितना आ जाएगा, सीधे से आसानी से मैं इसको निकाल सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 और +1, तो ये कितना आ जाएगा, 11/10। ठीक है, ये 1/10 हो गया, +1 किया तो 11/10। तो 2 वर्ष के लिए अब मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, पी टाइम्स और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये वैल्यू मुझे सवाल में पहले से ही गिवन थी, ये कितने गिवन थी, 121/100, इसकी वैल्यू गिवन थी कितनी, 2420। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सॉल्व करके इसकी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपसे दर पूछी जाती है, दर कितनी है, तो दर आप इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपसे दर ना पूछ के राशि पूछी गई है तो आप इस दर का फिर से यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और फिर 2 ईयर्स या जो भी कम वैल्यू हो उसमें आप पुट करके वहां से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 121/100, तो 121 से 2422 कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू पी की कितनी रही होगी, 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 3840 इन 4 ईयर्स एंड अप टू 3936 हो गया यहाँ पे, 3936 इन 5 ईयर्स। ठीक है, 3936 ये वैल्यू आपके यहाँ पे गिवन है, जैसा कि हिंदी में गिवन है। ठीक है, तो ब्याज दर आपसे पूछी गई, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, तो यहाँ पे 4 ईयर्स में आपका फॉर्मूला जो होता है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, पी टाइम्स 1 + R/100 की पावर कितना होता है, 4 होता है, जबकि 5 ईयर्स में वो कितना होता है, पी टाइम्स 1 + R/100 की पावर 5। ठीक है, तो जब मैं 5 वाले से 4 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, 1 + R/100, और 5 वाले से मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो देखिए कितना लिखा हुआ है, 3936/3840। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1+, अब ये 840 से 936 देखिए कितना ज्यादा है, 96 अमाउंट जो है वो ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 96 आप यहां पे लिख दीजिए, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3840, तो अब 96 से इस 384 को आप काट सकते हैं। तो इसको देखिए, ये देखिए सीधे सीधे 4 टाइम्स चला जाएगा, 9 × 36 और 6 × 24। ठीक है, तो 1/4 आपका ये सीधे से आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 भी है तो 1/40 हो जाएगा। तो 1 से 1 आप काट देंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/100 इज इक्वल टू 1/40, तो एक 0 से ये एक 0 कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 10/4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 या फिर 2.5%। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फ्रेंड्स काफी इस पे कॉन्सेप्ट सीखे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जिनमें कि इंस्टॉलमेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।